दून पुलिस की कार्यवाही, विकास नगर में 5 रिसोर्ट की अनियमितताएं पाए जाने पर किया गया चालान और एक होटल को किया सीज। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर उनके थाना क्षेत्र में स्थित होटल, रिसोर्ट, ढाबा और गेस्ट हाउस की चेकिंग कर अनियमितताएं पाए जाने पर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। उक्त आदेश के क्रम में आज उप जिलाधिकारी विकास नगर, क्षेत्राधिकारी विकास नगर, पर्यटन अधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका हरबर्टपुर, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली विकास नगर, वन विभाग, MDDM, फायर सर्विस के द्वारा एक संयुक्त टीम गठित की गई और संयुक्त गठित टीम द्वारा विकास नगर क्षेत्र अंतर्गत स्थित रिसोर्ट, होटल आदि की गहन चेकिंग, जाँच, निरीक्षण किया गया। चेकिंग के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर 6 रिसोर्ट, गेस्ट हाउस के चालान किए गए, एक होटल को सीज किया गया। अभियान लगातार जारी है। चालान किए गए रिसोर्ट, गेस्ट हाउस में महक रिसोर्ट, ग्राम ढालीपुर, रिवर व्यू रिसोर्ट, मटक, माजरी, कुंजा, कुलहाल, रेडसन गेस्ट हाउस, ग्राम कुंजा ग्रांट, कारबरी अर्कस रिसोर्ट, कुंजा ग्रांट, मधुबन रिसोर्ट, शिमला बाईपास, कुंजा ग्रांट, मैंगो ट्री रिसोर्ट, देहरादून रोड, विकास नगर, होटल कालिंदी शामिल है जिसे सील कर दिया गया। नवभारत समाचार विकास नगर से अनिल कुमार गुरु की रिपोर्ट।